देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बता रहे हैं, जो बच्चा इनको याद कर लेगा वो लेटर गेम इंग्लिश का आसानी से खेल लेगा। तो देखो पहले लिखा है हेलो, हेलो का मतलब होता है सुनो। हेलो मतलब क्या होता है? डियर, डियर का होता है प्रिय, प्यारा। क्लैप, क्लैप मानी ताली, ताली बजाते हैं हम लोग, क्लैपिंग करते हैं। लुक, लुक मानी होता है देखो। फिर आया हेड, हेड मानी होता है सिर। प्ले, प्ले मानी खेलना। देखो या देखना आता है इसका। हैंड मानी होता हाथ, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। फिर आई, आई मानी होता है आंख। फिर ईयर, ईयर मानी होता है कान। नोज, नोज मानी होता है नाक। बॉय, बॉय मानी होता है लड़का। गर्ल, गर्ल मानी होती है लड़की। अब जब मैं इधर गुड, गुड मानी होता है अच्छा। लाइक मानी पसंद। बैट मानी होता है चमगादड़, और बल्ला भी होता है। कैट, कैट मानी होती है बिल्ली। समझ रहे हैं? ध्यान से देखते रहो। आंट, आंट मानी होता है चींटी। सारे बच्चे लर्न कर लेना, छुट्टी है 2 दिन की। बॉल मानी होती है गेंद। कैप मानी होती है टोपी। डॉग मानी होता है कुत्ता, डीओजी डॉग। एग मानी होता है अंडा। शू मानी होता है जूता। कार मानी होता है कार। फीट मानी होता है पैर। अब देखो इसमें डोर मानी होता है डीओजी डबल ओ। डोर मानी दरवाजा। डी मानी होती है मधुमक्खी, शहद वाली। होम मानी होता है घर। नेस्ट मानी होता है घोंसला। इन मानी अंदर या में। आउट मानी बाहर। गेट आउट। एंड मानी अंत या आखिरी या अंत। काव मानी होता है काय। इज मानी है। हैन मानी मुर्गी। गेट मानी दरवाजा। बाल मानी दीवार। फैन मानी पंखा। फिर देखो, फिश मानी मछली। हॉर्स मानी घोड़ा। फिश मानी ये। बैट मानी बह। ट्री मानी पेड़। और प्लांट मानी होता है पौधा। फ्लोर मानी फर्श। सॉन्ग मानी गाना। रूफ मानी छत। आस्क मानी पूछना। टेल मानी कहना। से मानी कहना। माई मानी मेरा। बॉक्स मानी संदूक।
वॉक माने चलना या टहलना, चलना या ये इतनी हो गई 52 ही और है, और ये याद कर लोगे तो लेटर गेम बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। थैंक यू वेरी मच।